Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Ideas for You. In today's video, I'm going to show you simple and easy recipe of cheese balls which is perfect to serve as snack. I hope you will like this recipe and if you do, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. इसके लिए आप ले लें 3 से 4 मीडियम आलू और उनको बॉईल करके मैश कर लें. ब्रेड क्रम्स, धनिया, काली मिर्च, नमक, पेपरिका, सोया सॉस एंड चिली सॉस, चिकन क्यूब. मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं. कोटिंग के लिए आपको चाहिए मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेना है. इसके अलावा ब्रेड क्रम्स, अंडा और अंडे के अंदर भी आपने काली मिर्च और नमक को डालना है. यहाँ आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें. 1 कप ऑफ ब्रेड क्रम्स, 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस एंड 1/2 चिकन क्यूब. यहाँ ये मिक्स हो चुका है और अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे. आप देख लें कि आपको क्या साइज़ चाहिए और उसके बाद आप इस तरह से इसमें चीज़ रखें और फिर उसका बॉल बना लें. सबसे पहले आपने कॉर्नफ्लोर और मैदे का कोट करना. अब एग में डिप करके आपने ब्रेड क्रम्स का कोट कर देना है. मैं यहाँ 2 दफ़ा कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स का, अगर आप चाहें तो आप 1 बार भी कर सकते हैं. फ्राई करने से पहले आपने इनको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है. यहाँ 1/2 घंटा हो चुका है और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी. आपने इनको डीप फ्राई करना है और तेज़ गरम ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है. जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है. Let me know in the comment section if you like this recipe. Also give this video a thumbs up if you enjoyed it and would like to see more recipes. Thanks for watching. Allah Hafiz.